फॉर्मेलिटी कैसी, घर की तो बात है और आप और मैं कोई अलग थोड़ी ना। आखिर रति की शादी की जिम्मेदारी मेरी भी तो है, उसका होने वाला। अरे भाई गला सूख रहा है, कोई पानी वानी देगा क्या? कहाँ चले गए सारे लोग? आप मिस्टर चिंटू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लेकर जाओ फटाफट। दीपू हाँ हाँ कुछ चाहिए? दी पवन जी की मम्मी चाहती है कि रति दी और वो अकेले में बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, हर रिश्ता भरोसे की डोर से तो बंधा होता है। जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरे पे भरोसा कैसे कर पाएंगे? और वैसे भी अक्सर लोग बहुत सी जरूरी बातें बताना भूल जाते हैं। चल चलो। पवन जी नाम तो अच्छा है, लेकिन नाम में क्या रखा है? मुझे उस लड़के से मिलना पड़ेगा ताकि पता तो चले कि सोनिया जी ने रति के लिए कैसा लड़का पसंद किया। मेरी सबसे बड़ी साली जो है, बड़ी साली के चक्कर में बड़ी गालियां पड़ सकती थी आज। पता है आपको दी कितनी नाराज है, अब आप उस लड़के से कैसे मिलोगे? मिस्टर चिंटू तुम्हारी दीदी का गुस्सा कमाल है, पर तुम्हारे जीजू भी कुछ कम नहीं है। रति के लिए वो लड़का सही है या नहीं ये तो पता करना ही पड़ेगा, आखिर जीजू हूं उसका, ऐसे ही किसी के हाथ में उसका हाथ थोड़ी ना दे सकता। मैं कुछ करता हूं। सामने से तो जा नहीं सकता, सोनिया जी बहुत गुस्सा करेंगी। हे प्रभु मेरी कुछ मदद करो। थैंक यू। हाँ एक सेकेंड। बताइए बॉबी जीजू, राघव जी, तुम भी मुझसे नाराज हो क्या? हाँ अब गुस्सा तो आएगा ही ना, लेकिन मैं उतनी नाराज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप दी से बहुत प्यार करते हैं। वेरी गुड, तो अब जब तुम मुझसे नाराज नहीं हो, मेरा मतलब है कि थोड़ी सी नाराज, तो प्लीज मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। दी को मनाने के अलावा आप जो भी बोलेंगे मैं कर सकती हूँ। रति को देखने जो लड़का है मुझे उससे बात करनी है, और उसके लिए मुझे अंदर आना होगा, मेरी इतनी सी मदद कर दो प्लीज। नो चांस, मिशन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। दी को पता चल गया तो पूरा घर सर पे कर लेगी और मेरी टांगे तोड़ देगी, और मेरी टांगे टूट गई तो मैं रैंप वॉक कैसे करूंगी? अंजलि मुझे मालूम है कि सोनिया जी बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन यहाँ बात सोनिया जी की नहीं है, रति की पूरी जिंदगी का सवाल। वो तो है। देखो सोनिया जी ने जो लड़का पसंद किया होगा वो 100% बहुत अच्छा होगा, और उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। पर तुम तो रति को जानती हो ना, अजनबी लोगों के साथ में वो कितनी घबरा जाती है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं बात करने में। अब ऐसे में अगर वो शादी की बात करेगी तो तुम खुद ही सोचो, उसके मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा, और अगर वो खुलकर बात नहीं कर पाएगी तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे लेगी? सोनिया जी इस समय इतनी बिजी है कि उन्होंने रति से इस बारे में बात नहीं की होगी, सारा काम उन्हें ही संभालना पड़ रहा है।
ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरी बनती है ना, तो तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कितनी फिकर है आपको हमारी दी की। राम जी प्लीज हेल्प करना। एक सेकेंड, यहाँ बैठ के इत्मीनान से बातें कीजिए। अरे इतना घबरा क्यों रही? तेरा अपना ही घर है रति, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात करना। चल बैठ, बैठ जी, बैठिए ना। एक तो मौका है एक दूसरे को जानने का, बात करना अच्छे से। चीजू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना, वो मस्सा और दाढ़ी लगाते हैं, कोई उसे पहचान नहीं पाता है। पर आपने तो पूरा गेटअप चेंज कर लिया, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप राघव चीजू। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि मैं राघव हूँ, समझी? पर आप 100% श्योर हो ना कि कोई आपको पहचान नहीं पाएगा? 100% और वैसे भी हमें तसल्ली करनी है ना कि लड़का रति के लिए ठीक है या नहीं, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। राइट, ऑल द बेस्ट। तो यहां पे क्या कर रही है? और ये आवाज कैसी थी? घूम घूम गिर गई थी, मिरर देख रही हूँ। अंजलि हाँ चल आ जा। हाँ आप जाइए, मैं आती हूँ। आप कुछ पूछना चाहती है मुझसे? नहीं। रति दी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लैंडलाइन चेक करने के लिए आए। आजकल बहुत क्रॉस कनेक्शन होने लगा है ना। 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। आप लोग बातें कीजिए ना प्लीज। बातें कीजिए। सच में कुछ नहीं पूछना। पूछ लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं? वैसे इस तरह बात की शुरुआत अक्सर लड़के किया करते हैं। अरे अब बुरा मत मानिए, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था।
हमारे फोन पे बात हो चुकी है, पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा मतलब है आपकी पसंद नापसंद, आपके हॉबीज। तुम्हारे बारे में भी तो इससे ज्यादा पता नहीं होगा ना, है ना रति बिटिया? ठीक कहा मैंने? कुछ बोला? हमारी बेटियां थोड़ी शर्माती है, हम बताते हैं, बहुत ही गुणी संस्कारी बच्ची है हमारी। सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग डेंटिंग क्या नहीं आता हमारी बेटिया, और खाना खाना तो इतना अच्छा पकाती है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि स्वाद खाने का था या हमारी बेटिया के प्यार का। ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? और तो और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, फ्रूटी को भी पढ़ाती है। फ्रूटी, इन्हें हमारे नाम भी पता है, इतना सब ये है कौन? काका, लगता है आप इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छे से जानते? अरे इतनी इतनी सी थी, हमारी गोद में खेली है और काका काका कह के बुलाती थी हमें। बेटा, रति बिटिया की तो सारी बातें तुमने जान ली, अपने बारे में भी कुछ बताओगे? जी, मुझे पढ़ने का शौक है, कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलता हूँ, और हाँ ट्रैवलिंग का भी शौक रखता हूँ। ये तो राघव जी जो है। बिटिया, मैं ही हूँ। वो क्या है ना कि आज बाल काले नहीं किए ना, तो बिटिया पहचानने में जरा भूल कर गई। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हमारी रति बिटिया को खुश तो रखोगे ना? नहीं, वो क्या है ना कि आजकल रिश्तों में बहुत गड़बड़ी चल रही, लोग शादी तो कर लेते हैं, एक दो साल तक खुश भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होता। हमारी बिटिया को वक्त दोगे ना, उसका ख्याल रखोगे? जिंदगी में अगर अपनों के लिए वक्त ना हो तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और काका, परेशान ना हो, हम आपसे वादा करते हैं, हम रति को बहुत खुश रखेंगे। और हाँ काका, एक बात के लिए हम आपको अभी से सॉरी बोल देते हैं, हम रति को इतना खुश रखेंगे, इतना प्यार देंगे कि वो आप लोगों को मिस भी नहीं करेगी। बहुत अच्छे बेटा, इसी जवाब की उम्मीद कर रहे थे। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। और तुम लोग खड़े क्यों? बैठो बैठो, बैठकर अच्छे से बातें करो, मैं जरा ये ठीक कर लेता हूं। हाँ जी, आंटी जी को बोर कर रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है ये। ये राघव जी जो कह रहे हैं, कोई सोनिया दी? दीपू दी, टेक्निकली अगर राघव जी जो होते तो कितना अच्छा होता ना। टेक्निकली वो तेरे जीजू नहीं है, पर अच्छा तो ये होता कि वो हमारी दी को कभी हर्ट ही नहीं करते। अरे क्या बात है, लेके बैठ गया, चुप कर। तुम लोग ऐसे भी होने को कौन डाल सकता है? जो होना है वो तो ओके रहेगा ना, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब पवन और रति को भी बुला ले। जी, मैं लेकर आती हूँ। दी, मैं बुला के लाती हूँ ना, आप बैठिए। नहीं, तो मैं लेकर आती हूँ।
जीजू को एक मिनट में पहचान लेगी, क्या करें। आप लोगों की बातों का सिलसिला खत्म तो नहीं हुआ होगा, पर बाहर आंटी जी इंतजार कर रही हैं। चलें? हाँ चलो ना। अंजलि, तेरे फोन वाले काका तो गए, तू कहाँ जाएगी? राजीति प्लीज सोनिया जी को मत बताना, सोनिया जी को पता चल गया ना तो मुझे ना त्रिशंकु की तरह होड़ में टांग देंगे। चलो। राघव जी जो कहाँ चले गए? बाल बाल बच गए राघव बेटा, वरना सोनिया जी के हाथों पिटाई तो हो ही जाती। थैंक यू, सच्ची कहा किसी ने, ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और सीढ़ी उतर कर आना है। वाह, आप दोनों ने बातें की। हाँ, वो कहना क्या, आपकी दीदी थोड़ी ज्यादा शर्मीली। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें की। मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है। अच्छा बोलिए, क्या बोलना है आपको? आपको टेस्ट देके हमारे सामने आपको ये साबित करना होगा क्या वो हमारे दी के लिए बेस्ट जीजू है। रति दी को आइसक्रीम खानी हो और कुछ बात हो वो आपसे कह ना पाए तो आप उनकी आंखों में देखकर पता लगा सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। और क्या विश्वामित्र ड्रेस क्लियर कर सकते हैं? लगता है आपको टेस्ट लेने का बड़ा शौक है, कितने टेस्ट लिए इससे पहले? वो तो बस राघव रोटी। बस कर दादी अम्मा। वैसे ये किसके बारे में बात कर रही थी? घर में सबसे छोटी है लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा चलाती है। इसका बस चले ना तो अपने स्कूल टीचर का भी टेस्ट ले ले। पर दी वो तो रूटी चुप करना, अब हम बड़े कुछ बात कर ले। मेरे बेटे की चेहरे की लाली तो बता रही है कि लड़की इसे बहुत पसंद है। हुँ? देखो तो कितना शर्मा रहा है। माँ। अच्छा रति बेटा अब तू बोल। जी, आप हमें 5 मिनट दे दीजिए। हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ बेटा, जहाँ जिंदगी भर साथ रहने का सवाल है वहाँ 5 मिनट तो इंतजार कर ही सकता ना मेरा बेटा। जाओ बेटा जाओ। जी चल। इतनी बड़ी गलती नहीं करने दे सकते। हमें उसका ध्यान उस लड़की से हटाना ही होगा। मैं कौन ढूंढता है? मैं कमिन मैम। अंदर आ। मैम मैंने वो कुछ प्रेजेंटेशंस भिजवाए थे, आधे ओके? या। और मैम पेरिस फैशन वीक के लिए फाइनल डिजाइन्स रेडी है, अगर आप एक बार देख लेती तो then I can take things forward accordingly. हमने कुछ सोचा है विमान। इस फैशन इवेंट में हमारी कंपनी की तरफ से तुम और राघव पेरिस जाओ। और आप मैम? आप नहीं चलेंगी? नहीं। क्यों?
हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम बहुत काबिल हो। तुम इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनकर इसे पेरिस ले जाओ और इस कंपनी का नाम रोशन करो। थैंक्स मैम, मैं चलता हूं। मैम एक बात डिस्कस करनी थी आपसे। कहो। मैम मैंने पेरिस फैशन वीक के डिजाइन्स दीपिका के साथ डिस्कस किए और उसके डिजाइन्स ब्रिलियंट हैं। या ब्रिलियंट, मैं जानता हूं कि आपके और उसके फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा डिजाइन होता है। फिर वो किसने बनाया वो मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है अभिमान, और हमें नहीं लगता कि तुम्हें उससे कोई भी डिजाइन, किसी भी तरह की डिजाइन लेने की कोई जरूरत है। Also, हमारे ख्याल में तुम्हें उस लड़की का सहारा लेने की भी कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं बेटा कि वो तुम्हारी दोस्त है, इसीलिए तो हमने उसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर बुलाया था। लेकिन उस वक्त हम नहीं जानते थे कि वो किस घर से है, किस खानदान की है। तुम्हारी माँ जैसी और उसी हक से तुम्हें ये कह रही, उन लड़कियों से दूर रहो, वो लड़कियां अच्छी नहीं है। रत्ना जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बॉस होने के नाते आप मुझे जो भी कहना चाहती है हक से कह सकती है, लेकिन मेरी माँ बन के मत बोलिए, क्योंकि मेरी माँ का दर्जा मेरी नजरों में बहुत छोटा है।